हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, जिसका और दोस्तों पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर आपने ख़रीदारी नहीं की है तो दोस्तों खरीदारी कर लीजिए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो स्टॉक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टाटा का है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टॉक में दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई थी क्योंकि इसका सेल में दोस्तों डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। इसका जितना भी सेल्स प्रोडक्शन ऑफ सेल्स था दोस्तों, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। इसी वजह से दोस्तों इसमें देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट आया, लेकिन ये गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा तो दोस्तों खरीद लीजिए। इसका मैं आपको पास्ट परफॉर्मेंस भी दिखाने वाला हूँ कि कितना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, और अभी फ्यूचर में भी आपको जो है अच्छा रिटर्न निकाल के देने वाला है। तो सबसे पहले शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, देखिए अभी जो इसका करेंट प्राइस चल रहा है दोस्तों अराउंड 855 के आसपास चल रहा है। मुझे 1 मंथ का चार्ट निकाल लेने दीजिए। यहाँ पर देखिए 855 के चार्ट चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अभी शॉर्ट टर्म में, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 850 के आसपास, ठीक है दोस्तों, 850 के आसपास। और इसका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, और नीचे यहाँ पर देखिए अराउंड जो है दोस्तों 900 के आसपास जो है इसका टारगेट रहेगा, 900 के आसपास। हो सकता है थोड़ी नीचे रहेगा या थोड़ा ऊपर रहेगा, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में स्टॉक जो है आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देने वाला है। मतलब दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है शॉर्ट टर्म में इंक्रीज़ होने वाला है। और इसका जो है दोस्तों मैं आपको टेक्निकली और फंडामेंटल भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, लास्ट 10 ईयर में इसने जो है कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया था और बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों टाटा इलेक्सी का, यहाँ पर देखिए 10 साल के अंदर इसने देखिए कितना अच्छा जो है रिटर्न यहाँ पर दिया, अराउंड जो 557 के आसपास दिया है। लेकिन दोस्तों अभी 1 डे में कितना दिया, अराउंड 0.81, अराउंड 1% के आसपास मान लीजिए। तो देखिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कंपनी लॉस में गई थी थोड़ी थोड़ी बहुत के लिए। यहाँ पर देखिए 4 ईयर में 7% का लॉस है, 2 ईयर में 7% का लॉस है, 1 ईयर में 15% का लॉस है, ईयर टिल डेट में यहाँ पर देख लीजिए 16% का लॉस है। तो ये दोस्तों एक जो होता है सीजनल इफेक्ट पड़ने के कारण जो है स्टॉक गिरता है, उसके वजह से थोड़ी बहुत लॉस होता है। लेकिन आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, यहाँ तक कि दोस्तों 3 ईयर में ये जो है अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, लेकिन दोस्तों 3 मंथ में तो इसने देखिए अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस कर दिखाया है। और जैसे वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही मैंने आपको बोला कि इसमें गिरावट आई थी दोस्तों, और किस वजह से गिरावट आई थी, यहाँ पर देख लीजिए 2018 में, जो दोस्तों 2018 से 19 के बीच में यहाँ पर देखिए नेट सेल्स में और वहाँ से यहाँ देख ले सकते हैं स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट में, दोनों में क्या हुआ था दोस्तों, लॉस हुआ था। तो ये लॉस होने के कारण, ये लॉस होने के कारण यहाँ पर देखिए -4% दिख रहा है, यहाँ पर देखिए -39% दिख रहा है। तो कब हुआ था दोस्तों, अराउंड 2018 बिटवीन, यहाँ देख सकते हैं 2019 में। और ये लगा दिया आपके सामने चार्ट, देखिए 2017 है, 2019 है, तो दोस्तों 2018 इधर ये होगा। यहाँ पर देखिए जब दोस्तों लॉस हुआ तो स्टॉक देखिए बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट कर दिया, 2018 बिटवीन 19, तो दोस्तों 18 और 19 के आसपास में देखिए जब स्टॉक गिरा तो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो देखो ये है अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जो हमें जो है ले लेना चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करते हो तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा ये स्टॉक। और कंपनी के पास यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि कैश फ्लो कितना है, 2018 में कितना था, यहाँ पर देख सकते हैं 197 था, लेकिन दोस्तों 2019 में कितना है, 214 था, मतलब कि अराउंड 9% के आसपास जो है इंक्रीमेंट हुई है यहाँ पर। और ऊपर से यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 2015 से आपको डेटा दिखाता हूँ, 2019 तक कैसे जो है कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पहला 143 था, लेकिन दूसरा क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा बहुत जो है डिक्रीज़ हुआ, अराउंड 120 के आसपास आया। लेकिन थर्ड में दोस्तों, और फोर्थ में, और उसके बाद फिफ्थ में, मतलब कि दोस्तों 2019 आते आते यहाँ देखिए 143 से देखिए 214 तक आ गया। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना जो है या धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी जो है प्रॉफिट निकाल के दे रही है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी जी ये जो टाइम है आपको खरीदारी कर लेना चाहिए। एक बात है दोस्तों, जब ये स्टॉक का प्राइस बहुत बड़ा है तो थोड़ा, मान लीजिए कि जब ये गिरेगा तो थोड़ा बड़ा गिरेगा, जब उठेगा तो बहुत ज़्यादा जो है हेवी प्राइस में उठेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पर देख लीजिए ओपन कितने प्राइस में हुआ था, 850 के प्राइस में दोस्तों ये ओपन हुआ था, ठीक है। ओपन होने के बाद लोएस्ट कितने में गया था, 847 में, तो थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, लेकिन दोस्तों हाईएस्ट कितना गया था, 879, मतलब 80 के आसपास। तो देखिए दोस्तों जब ये इंक्रीज होगा तो अराउंड 40-50 पॉइंट का जो है मूवमेंट देगा, लेकिन तब जब दोस्तों मार्केट डाउन होगा ये स्टॉक का, तो हो सकता है 40-50 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट देखा जाए डिक्रीज होने का, लेकिन हमें उससे लेना देना कुछ नहीं है दोस्तों। आपको जो है एक एग्रेसिव बायर की तरह खरीदते रहना है और आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और ये है हमारा दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहां पर आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। अगर आपको डाउट है तो आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, जिससे आपके पास एक स्ट्रांग बिलीव आ जाएगा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने का। और ये है मेरा दोस्तों नंबर, कांटेक्ट नंबर, पहला जो नंबर है वो व्हाट्सअप का नंबर है, सेकंड नंबर है जो दोस्तों कांटेक्ट नंबर है, हालांकि आप दोनों नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ये जो नंबर है वो हमारा सर्विस का नंबर है, अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो सर्विस है दोस्तों पेड सर्विस है, अगर आप हमारे यहाँ सर्विस लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा जो है रिटर्न निकाल के दिया जाएगा, वो भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस से, ट्रेडिंग के बेसिस से नहीं दोस्तों। हम ट्रेडिंग नहीं करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, और आने वाले दिनों में दोस्तों इन्वेस्टमेंट में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिखाई देगा।